लेक्चर नंबर 2 पीएचपी इंस्टॉलेशन। तो दोस्तों हमने पहले लेक्चर में देखा था सबसे पीएचपी क्या होता है, किस तरीके से यूज किया जाता है। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ पीएचपी। सो इंस्टॉलेशन ऑफ पीएचपी में आ जाते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो होता है व्हाट डू आई नीड, पीएचपी की हमें क्यों नीड पड़ती है, यानी कि इंस्टॉलेशन क्यों करें हम और किस तरीके से करें। सो यहाँ पर आ जाते हैं, पीएचपी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको रन करने के लिए, यानी कि टू स्टार्ट यूजिंग पीएचपी यू कैन, आपको जब पीएचपी को रन करना है या पीएचपी को पीएचपी के सॉफ्टवेयर को चलाना है या पीएचपी प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको कुछ चीज की जरूरत पड़ती है, जैसे कि फाइंड अ वेब होस्ट विथ पीएचपी एंड माइस्क्यूएल सपोर्ट। अब पीएचपी को यानी कि फाइंड करने के लिए या आप पीएचपी का प्रोग्राम करने के लिए आपको सबसे पहले वेब होस्ट की जरूरत पड़ेगी, और वेब होस्ट जो आता है वो आता है माइस्क्यूएल सपोर्ट के जरिए। सो इंस्टॉल वेब सर्वर, जब आप अपने सर्वर ऑन योर पीसी एंड देन इंस्टॉल पीएचपी एंड माइस्क्यूएल, जब तक आपके पास वेब सर्वर नहीं होगा तब तक आप अपने इनके सिस्टम के अंदर पीएचपी को इंस्टॉल नहीं कर सकते। सो तो देखते हैं कि हम किस तरीके से वेब सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने सिस्टम में। यहाँ पर सिस्टम में आकर आप अपनी यानी कि ब्राउज पे इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, और ब्राउज में आ जाएंगे और यहाँ पर आकर मैं लिख लेता हूँ जिस सर्वर के जरिए हम काम करेंगे उस सर्वर का नेम। तो हमारा सर्वर है, एक होता है वेम सर्वर, एक होता है जेम सर्वर। तो हम यूज करेंगे जेम सर्वर को। जेम सर्वर को फ्री डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ जेम सर्वर फ्री डाउनलोड, यानी कि आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो नीचे अपाची फ्रेंड्स फाइल होपो की एक वेबसाइट है, इसके जरिए आप अपने सर्वर को इंस्टॉल यानी कि डाउनलोड कर सकते हैं। सो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में इसकी इस वेबसाइट का नाम दे दिया है, वहां से देख सकते हो आप। यहां से डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा सर्वर। सो मैंने ऑलरेडी यानी कि डाउनलोड करके रखा हुआ है। सो इसके लिए आपका आईडीएम पे डुप्लीकेट का एक मैसेज आ सकता है कि आपने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है या डाउनलोड किया हुआ है, सॉरी इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो आप क्या इसको दोबारा से डाउनलोड करना चाह रहे हो, ये देखिए यहाँ पर एक मैसेज आ गया। सो मुझे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर दिया है, मगर आपने इसको डाउनलोड करना है इस तरीके से। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब डाउनलोड होने के बाद आपके सामने इस तरीके का एक फॉर्म आ जाएगा, इस तरीके का एक ऐप आ जाएगा, उस ऐप को हम इंस्टॉल करेंगे। तो आपने सबसे पहले क्लिक करना है, देन ओके करना है और यस कर देना है। जैसे आप यस करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा प्रोसेस करेगा और ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। सो इसका प्रोसेस टाइम देख लेते हैं, यहाँ से कुछ टाइम बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ये स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा यानी कि, तो आपके सामने एक ऐसा मैसेज आ जाएगा, उसके जरिए आप इसको इंस्टॉल करना शुरू कर दोगे। मैं यहाँ पर आप लोगों को मैसेज दिखा देता हूँ, थोड़ा सा हम इसको वेट कर लेते हैं। ये यहाँ पर ये चीज आ रही है, यहाँ पर ये वार्निंग का मैसेज आ रहा है, मैं यहाँ से इसको काट देता हूँ और इस वार्निंग वाले मैसेज में आ जाते हैं। देन आपने करना है इसको ओके। ओके करने के बाद आपके सामने इस तरीके का एक सेटअप आ जाएगा, ठीक है। बिटनमी एक फ्रेमवर्क है जिसके जरिए ये जेम सर्वर आपका इंस्टॉल होता है। देन आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये सारी चीजें जितनी भी बाय डिफॉल्ट कनेक्टेड है इनको आप कनेक्ट कर लें, यानी कि इसमें कोई भी आपने चेंज नहीं करनी। अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, मगर ये चीज पीएचपी माइडमिन होना लाजमी है क्योंकि ये वेब सर्वर पे इस तरीके से चलता है। माइस्क्यूएल, फाइलजिला या टॉमकैट, अपाची, ये सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए तब तक के जब तक, क्योंकि हमें सर्वर चलाना है तो सर्वर के लिए ये चीजें नीड में आती है। देन नेक्स्ट, जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आपसे लोकेशन मांगेगा, भाई आपने कहाँ इसको इंस्टॉल करना है। सो हम सी ड्राइव जेम सर्वर के नाम से इसको इंस्टॉल करेंगे। देन नेक्स्ट, जैसे आप नेक्स्ट करेंगे और इस तरीके का एक बॉक्स आ जाएगा, और यहाँ से आप अपने सर्वर को और मजीद यानी कि अपडेट करना चाहे तो कर सकते हो, नहीं तो आपने नेक्स्ट कर देना है। और नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने इस तरीके का एक ऑप्शन आ जाएगा, देन नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये इनिशियलाइज होगा और अपनी फाइल्स को इंस्टॉल करना शुरू कर देगा, ठीक है। सो जब तक ये फाइल्स इंस्टॉल यानी कि कम्प्लीट होता है, देखिए ये इस तरीके से ये अपनी फाइल्स को अपलोड करना शुरू करेगा और उसके बाद इनको कम्प्लीट करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक जैसे ही ये कंप्लीट होता है, ये जैसे ही यहाँ पर कंप्लीट होता है तो ये सेटअप इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। और जैसे जैसे हम नेक्स्ट करते जा रहे थे इस तरीके से हमारा ये सेटअप जो है इंस्टॉल होना शुरू हो रहा था और यहाँ तक पहुंचा है। तो देखते हैं जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो फिर हम इसको आगे किस तरीके से अपने
यूज में लेकर आते हैं। ये जेम सर्वर इंस्टॉल होगा, कंप्लीट इंस्टॉल होने के बाद जब सर्वर आपका ऐड हो जाएगा तो सर्वर अपने आपको एज ए ब्राउज में लेकर जाएगा और पीएचपी को कैपेसिटी देगा, यानी के रन कर सकते हो आप अपने प्रोग्राम को। ठीक है, सो इस तरीके से ये देखिए अलाउ टू एक्सेस, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है, तो जैसे ही ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है और फिर हमारा जो पीएचपी है वो इस तरीके से हमारे पास यूज में आ जाएगा। यहाँ पर कुछ चीजें हैं वेट करने के लिए, ये कह रहा है थोड़ा सा वेट करना है हमें, और ये प्रोग्रेस जैसे ही कंप्लीट होती है तो फिर हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है उसको हम रन कर सकते हैं। सो ये कंप्लीट होने वाला है, कुछ सेकंड्स लगेंगे जिसके अंदर, या कुछ एक दो मिनट लग सकता है जिसके अंदर ये अपने आप को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, सो अनइंस्टॉलर को क्रिएट कर रही है, यहाँ पर 75% आ रहा है, यानी कि अभी हमारा सॉफ्टवेयर पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इस तरीके से आ रहा है, और यहाँ पर आकर आपने क्या कर देना है, फिनिश कर देना है। जैसे ही आप फिनिश करते हैं तो एक यानी कि हमारे सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें MySQL RSQL, यहाँ से आप किसी भी कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हो, जिस कंट्री को आप सिलेक्ट करना चाहें। तो मैं जस्ट सेव का बटन प्रेस करूंगा और एक पैनल आ जाएगा जो आपके जेम सर्वर का पैनल है, और अगर आप एक और सर्वर होता है जिसको हम वेब सर्वर कहते हैं, अगर आप वो इंस्टॉल करते हो तो वो भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, ये इसका पैनल है, इसको यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्च होगा, यहाँ पर आपको शो होगा, उस पैनल को शो करके फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप MySQL एंड SQL को शो करवा सकते हो। ठीक है, सो इस तरीके का हमारे सामने पैनल आ जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है अपाची एंड MySQL स्टार्ट। अब यहाँ से अपाची एंड MySQL को आप स्टार्ट करोगे तो आपका सर्वर चल जाएगा। देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट कर दिया मैंने अपाची को एंड MySQL को। यहाँ पर स्टार्ट करने के बाद आप जैसे ही एडमिन में चले जाते हो अलाउ टू एक्सेस कर देते हैं, और यहाँ से जैसे ही हम अपने यहाँ पर एडमिन पे क्लिक करेंगे तो हम चले जाएंगे अपने सर्वर पे, जिस बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर होगा, और वहां पर ये लिखा हुआ आएगा पीएचपी माय एडमिन, यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ आएगा पीएचपी माय एडमिन, और इस तरीके का बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है, फिर इसको नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि आगे किस तरीके से इसके ऊपर प्रोग्राम करना है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।